अभी सब्सक्राइब करो स्पोर्ट्स चार्ट को ताकि आपको फ्यूचर अपडेट मिलते रहें, और बाजू में जो घंटा है उसको हिला के ही जाना। हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स चार्ट में। तो आज हम बात करेंगे हम एक कवर ड्राइव कैसे मार सकते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि एक नॉर्मल कवर ड्राइव कैसे मारते हैं और विराट कोहली के स्टाइल में कवर ड्राइव कैसे मारते हैं। दोनों का स्टाइल अलग है, तो दोनों कवर ड्राइव अलग अलग होती है, और आप कैसे अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बढ़िया कवर ड्राइव मारने की। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कवर ड्राइव एक बहुत ही बढ़िया शॉट है जो कि ऑलमोस्ट हर प्लेयर को आना ही चाहिए। कवर ड्राइव के बिना क्रिकेट खेलना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि यार जब ज़्यादातर बॉल आती है ऑफ साइड में, लेग साइड पे कम आती है, बॉलर टारगेट करता है ऑफ साइड, ठीक है, तक क्योंकि ऑफ साइड में ज़्यादा चांस है विकेट लेने का या फिर एज देने का। तो यार वैसे बॉल को खेलने के लिए कवर ड्राइव आना जरूरी है। डिफेंस कर सकते हैं, पर अगर कवर ड्राइव होगा तो उस बॉल पर हम रन भी निकाल सकते हैं। तो अब ये जानना है कि कवर ड्राइव मारते कैसे हैं, तो इजी है। अब वैसे तो मैं ये वीडियो बनाना चाहता था नेट्स में जाकर, अभी थोड़े दिनों से बारिश चल रही है तो फिर पिच है वो गीली है, तो उस पर बनाना तो नामुमकिन ही है। और सीमेंटेड पिच पे भी बना सकता था, पर सीमेंटेड पिच का जो क्या है ना, सीमेंटेड पिच है उसमें उसके साइड में घास वगैरह है वो पूरी गीली है, फिर वही बात है बैट खराब करने वाले बात। तो ये वीडियो मैं घर में बना रहा हूँ कवर ड्राइव की। अगली वीडियो जो स्टेट ड्राइव की है वो मैं बनाऊंगा नेट्स में, और उसमें आपको करके भी दिखाऊंगा कि नेट्स में ही करके दिखाऊंगा कि कैसे मारते हैं स्ट्रेट ड्राइव। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स यार्ड में, मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही। के लिए सबसे पहले हमें जो बढ़िया चीज जो अपनी चीज सुधारनी पड़ेगी वो है हमारा स्टांस। तो यार जो जब हम कुछ लोगों की आदत होती है यूं ऐसे ऐसे रहने की, ठीक है, तो ऐसे करके कवर ड्राइव मारना बहुत ही नामुमकिन है, ठीक है। और कुछ लोगों की आदत होती है जो स्टांस कुछ है होता है ऐसा, तो ऐसा जब होता है तो ऐसे यहाँ तक जाना बहुत मुश्किल लगता है। तो कवर ड्राइव के लिए स्टांस कैसा होना चाहिए, स्टांस होना चाहिए स्ट्रेट, ठीक है। और आप खड़े भी रह सकते हो, खड़े रह के कवर ड्राइव मारना ज़्यादा आसान है ऐसे बैठ के मारने से, ठीक है। तो क्या करना है, स्टांस हमें चेंज करना है, थोड़ा सा खड़े होके बैट रख के थोड़ा सा बैंड होके, ठीक है। तो ये हो गया स्टांस, और जो हेड है वो स्टिल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इस साइड रहेंगे, अगर मान लो आपका हेड इस साइड जाता है तो आप बॉल को इधर नहीं मार सकते, ठीक है, आपको बॉल फिर आपका बैट इस डायरेक्शन में जाएगा। और वहीं जब हम इस साइड, जब पिच हमारा हेड पीछे की तरफ होगा तो हमें बॉल ही नजर नहीं आएगी, एक ही बात है। तो क्या करना है, हेड होना चाहिए स्टिल, बॉल आंखें होनी चाहिए बॉल पे, ठीक है। और फिर हमें क्या करना, हमारी जो टांग है, टांग में जो फिंगर्स और टो के बीच में जो एरिया होता है जो छोटा सा, उस हमारा वेट जाना चाहिए उस पर। तो अब हमें करना क्या है, मान लो कि बॉल आ रही है इधर, ठीक है, तो अब क्या करना है, बॉल की डायरेक्शन में टांग ले जानी है हमें, ठीक है। बैट होना चाहिए हाई, तो बैक लिफ्ट आपको बताऊंगा आगे वाली वीडियो। तो आपको क्या करना है, जिस साइड बॉल आ रही है पहले अपना स्टांस लो, ठीक है। जिस साइड बॉल आ रही है, बॉल कौन सी होनी चाहिए, हाफ वॉली, हाफ वॉली यानी जो उधर पे टपक आए, या फिर होनी चाहिए हल्की सी और कर। तो हाफ वॉली पे क्या करना है, तो हाफ वॉली में आगे जाना है बॉल की तरफ, और आपको बैट ऐसे सीधा करके बॉल पे नजरें होनी चाहिए ऑल टाइम। तो ये तो होगी जो नॉर्मल ड्राइव, ये उनके लिए है जो बॉटम हैंड हल्का पकड़ते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ कोई ऐसा प्लेयर है जो बॉटम हैंड बहुत टाइट पकड़ता है ये चीज़, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल कोहली, ठीक है, कोहली क्या करता है, कोहली की ड्राइव कैसे होती है, वो सेम चीज़ है, ठीक है, स्टार्स वगैरह, बस वो क्या करता है यहाँ पे जाके अपनी कलाइयों का यूज़ करता है। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर प्लेयर वो क्या करते हैं ऐसे करके पैर ले जाते हैं आगे, तो ऐसे सीधा बस डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और कोहली जो है वो फोर्स जनरेट करने के लिए अपने बॉटम हैंड का यूज़ करता है। तो हर किसी की बस की बात नहीं होती कि बॉटम हैंड से ऐसे करके जनरेट करना है, ठीक है। कुछ लोगों को आदत होती है बचपन से, कोहली जो है शुरू से ही एक बॉटम हैंड डोमिनेट प्लेयर है, तो आप देख सकते हो कि वो शुरू से ही अपने लेग साइड में बहुत अच्छा है, तो इसलिए वो अपने बॉटम हैंड का यूज़ करता है कवर ड्राइव को मारने के लिए। अब कवर ड्राइव में क्या है, जब बॉल आई है हाफ वॉली यानी आपसे कुछ 2 फीट आगे, तो आपको आगे जाना है ऐसे करना है, ठीक है। और जब बॉल यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो हल्का सा पैर आगे ले जाना है, ठीक है, हल्का सा पैर आगे ले जाके बस आपको क्या करना है, अपना बॉडी वेट जो है ट्रांसफर करना है यहाँ पे, ये चीज जस्ट ओपन रहनी चाहिए हल्की सी, ठीक है। बॉडी वेट यहाँ पे ट्रांसफर करके आपको बॉडी वेट पे आना है और यहाँ से बस धक्का देना है, ठीक है। और जब बात आए यही ड्राइव को आप चेंज कैसे करना है, अगर मान लो कि बॉल आ रही है यहाँ पे, मतलब एकदम पैरों के बीच में और कट है,
तो क्या करना है, बैट जो बस थोड़ा सा बेंड करना है पीछे वाले पैर पे और यहाँ से करके चलाना है, ठीक है? तो ऐसे करके आप कवर ड्राइव प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन बात ये है, प्रैक्टिस कैसे करनी है कवर ड्राइव की, तो कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हैंगिंग बॉल को लटकाना है, ठीक है? और हैंगिंग बॉल जब इस डायरेक्शन में आएगी तो आपको बार बार उसी डायरेक्शन में, पहली बात तो अपना पैर, जो पैर को उस डायरेक्शन में ले जाके और वहां पे जाके ऐसे मारना है बार बार, ठीक है? कोशिश ये करनी है बॉल बार बार उसी डायरेक्शन में जाए, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, एक बॉल लेनी है, उसको बस आपको ऐसे उछालना है, ठीक है? यहाँ जैसी टप्पा पहला टप्पा खाए उसको यहाँ से हिट कर दो, ठीक है? तीसरी चीज क्या करनी है, आपको अपने किसी दोस्त से कहो कि आप मुझे अंडर आर्म बॉल डालो, ठीक है? अगर आपको नहीं आती, जिसको आती है उसका तो वो तो सीधा भी कर सकता है, उसके लिए सीधा चौथे स्टेप पे जाओ। तो आपको क्या करना है कि बॉल दो से गाओ, अंडर आर्म बॉल डालो और आप उस पर कवर ड्राइव मार सकते हो बार बार। मेन चीज़ क्या होती है, आपकी फुट और बॉडी ट्रांसफर जरूरी है, ठीक है? अगर आप फुट और बॉडी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे तो कवर ड्राइव अच्छे नहीं होगा, आप बैक फुट पे ऐसे हो, ठीक है? आप बॉडी ट्रांसफर नहीं कर रहे, फुट से फुट आगे लेके और ऐसे मारोगे तो, या फिर अगर आपका सिर्फ हेड आ गया और बॉडी वेट ट्रांसफर नहीं हुआ तो फिर बॉल में मजा नहीं आएगा। और दूसरी बात, आपको जोर नहीं लगाना, आपको हिट करना है इस एरिया से जो बैट का स्वीट स्पॉट होता है, ठीक है? तो इससे आप परफेक्ट कवर ड्राइव मार सकते हो। और जो चौथा स्टेप है वो क्या करना है, अब हम जाके सीमेंटेड जो पिच होती है उस पर जाके दोस्त से कहो कि बॉल कराओ और आप उस पर प्रैक्टिस करो। तो यार मेन बात ये है कि आप यहाँ पे सीख सकते हो, पर असली आपको फायदा कब होगा, जब आप घर पे जाके उस चीज़ को ट्राई करोगे। अगर आप यहाँ पे सीख देख रहे हो और फिर सोच रहे हो मैंने सीख लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसको अपने डेली शेड्यूल में। अगर नहीं आती है आपको कवर ड्राइव तो अभी जाओ, अभी नहीं तो कल सुबह जाना है, आज शाम को चले जाना, जाके प्रैक्टिस करो उस चीज़ की कवर ड्राइव की, तो आपकी कवर ड्राइव हो जाएगी परफेक्ट। अब वैसे मैं और ढंग से समझाना चाहता था, पर वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पानी वानी है तो नहीं समझा पाया, वरना मैं आपको ढंग से अब घर में बॉल खेलने से रहा। तो हो सकता है कि मैं एक और वीडियो बनाऊं कवर ड्राइव पे, जिसमें मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल तो बेसिक्स के लिए ये बहुत सही है। आपको क्या क्या करना है, एक तो आपको ड्रिल करनी है, ठीक है? अब ड्रिल कैसे करनी है, ऐसे करके आपको पैर ले जाना है आगे और धीरे से हल्का सा हाथ ऐसे ले जाना है, ठीक है? फिर वापस पीछे आना है, फिर पैर आगे ले जाके ऐसे ले जाना है। तो ये आपकी ड्रिल होगी, तो इससे आपकी कवर ड्राइव हो जाएगी और भी परफेक्ट। और अगर आप बॉटम हैंड डोमिनेट प्लेयर हैं तो भी आप ड्रिल तो यही रहेगी सेम, और बस आपको बॉटम हैंड का यूज करना है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जो बॉटम हैंड डोमिनेट प्लेयर है उसको पता है कि बॉल को कैसे सही से मारना है, तो बस उसमें, जैसे कि मैं बॉटम हैंड डोमिनेट प्लेयर हूँ, मैं ये जो हाथ है ये बहुत टाइट पकड़ता हूँ, तो यार मेरी जो ड्राइव होती है, मेरी ड्राइव होती है ऐसे करके यूं मारता हूँ मैं, ठीक है? मतलब मेरा बैट जो जाता है यूं करके पूरा इस हाथ का यूज करता हूँ मैं अपना फोर्स जनरेट करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और कमेंट करो, शेयर करो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के बारे में जान पाए। और अगर आपको वीडियो बहुत ही सही लगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी और आप चाहते हो कि और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे क्या होगा आपको सबसे पहले मिलेगी, और बेल आइकन जो है उसे दबा देना, और बस।